देखिए, किसान के लिए तो अच्छा साल तो है ही, क्योंकि जी इतना रेट जो आज फसल किसान के खेत पर जो बिका है वो कभी आज तक बिका नहीं। नहीं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, आज अलग अलग क्षेत्र से जानकारी जुटाते हुए हम पहुंचे हैं सिरसागंज में, और सिरसागंज में SD शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड, ये कोल्ड स्टोरेज है और यहाँ के हमारे साथ ऑनर मौजूद हैं। अगर देखा जाए किसान भाइयों, तो किसानों में एक ह्यूमर चल रहा है और एक अफवाहें चल रही हैं कि हर क्षेत्र में, पूरे उत्तर प्रदेश में आलू कम है। हालांकि हम कह सकते हैं कि आलू की पैदावार इस वर्ष कम है, लेकिन इससे आप अनुमान ये नहीं लगा सकते हैं किसान भाइयों कि कोल्ड स्टोरेज, जैसे कि किसान तो अपने आप से उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इस वर्ष 2024 में कोल्ड स्टोरेज तो किसी भी सूरत में भरेंगे नहीं। अब किसान भाइयों, इसी कड़ी में हम यही बात पता करने के लिए कन्नौज से आगरा तक के निकले हैं, लगातार आपको आपको अलग अलग जिले का, अलग अलग क्षेत्र का आपको अपडेट दे रहे हैं, कोल्ड मालिकों से रूबरू करा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ किसान भाइयों SD शीतगृह कोल्ड स्टोरेज के हमारे साथ ऑनर हैं। और ये देखा जाए, सिरसागंज एक बहुत अच्छी आलू की बेल्ट है, और यहाँ से जो जानकारी निकल के आएगी, ये वाकई में आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है। तो फिलहाल मैं ऑनर है, ऑनर से जानकारी लेते हैं। सर, अपना नाम बता दीजिए पहले। सुभाष यादव जी, अच्छा सर, हम जानना चाहेंगे अपने यहाँ इस कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी कितनी है? 1,42,000। 1,42,000। अच्छा सर, 1,42,000 की अगर देखा जाए, तो इसमें से आज के दिन देखें तो भंडारण कितना हो चुका है? 1,25,000। 1,25,000। तो सर, कह सकते हैं कि जो भी 20,000 पैकेट मान के चल लेते हैं हम, जो बचा हुआ है, क्या सर लगता है कि इससे अपना जो अपना बारदाना बटा होगा, हाँ, बस अपना उन्हीं का फाइनेंस माल ले रहे हैं, उन्हीं उन्हीं का का? माल ले रहे हैं, बाकी काशफुल हो गया, और किसी को नया बारदाना नहीं दे रहे, जी न किसी से भंडारण की कोई बात कर रहे। जी अच्छा सर, क्या लगता है कि जो नए किसान हैं उनके लिए एंट्री अब मान के चलते हैं बंद हो गई? क्योंकि हाँ, बंद है। जो अपने जो किसान काफी दिन से जुड़े हैं, उनका ही आलू लेंगे तब भी गोल्ड फुल है। बोले तो सर, ये जो अफवाह चल रही थी, तो इसको क्या कहेंगे आप कि सभी किसान गांव जाते हैं, अलग अलग जिले में गए, इटावा जिले के कई किसान बोल रहे थे कि यहाँ की मेरे इटावा जिले में कोल्ड खाली रहेंगे। अपने यहाँ भी एक दो किसानों के से मिले हैं, यहाँ भी कई किसान बोलते भैया इस जो बार कम है। अच्छे कोल्ड स्टोर हैं, जिनकी साख अच्छी हुई है, जिनकी साख अच्छी नहीं है, वो तो यहाँ भी दो चार कोल्ड स्टोर खाली रहेंगे, खाली रहेंगे। अच्छा, बाकी तो एक ही भर जाए। रेट के जितने भी कोल्ड हाँ, स्टोरेज वो हैं सब भर जाए, वो भर जाएंगे। भर जाए। तो सर, क्या लगता है, जो कई जगह से हमें सूत्रों के मुताबिक पता भी लगा है, आल यूपी की बात करते हैं लेकिन आज हम सिरसागंज क्षेत्र की ही बात करेंगे, सर यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पर क्या आलू की पैदावार इस वर्ष पिछली वर्ष से कुछ नहीं, अपेक्षा कम है? हुई है, लेकिन जितना लोग कह रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, उतनी नहीं। उतनी नहीं, कह सकते हैं कि 3-4-5%, 10% माइनस है। मुश्किल से 10% नहीं मुश्किल है, से नहीं 5 ही% मान। जी। अच्छा सर, अगर देखा जाए तो अपने यहाँ एवरेज क्या है, मतलब कि प्रति बीघा एवरेज पैकेट क्या निकल रहा चालीस है? पचास पचपन तक निकल रहा है वाले। 55, हाँ, तो पिछली वर्ष भी ऐसा ही होगा, 60-70 के आसपास। तो ये है कि मतलब जो अफवाह है उतना कम नहीं है, कुछ कम है। लेकिन सर, क्या लगता है अभी अपने यहाँ ग्राउंड में खुदाई कितने परसेंट बाकी बची हुई है? अभी खुदाई एक मात्र 10-15%। 10-15%। तो क्या सर, वो आलू जो 10-15% खुदाई अभी बकाया शेष बची हुई है, और वो जो शेष बकाया खुदाई है, वो क्या कोल्ड स्टोरेज जो नहीं, खाली है हमारे उनके यहाँ लिए से पर्याप्त लोड, है? हमारे यहाँ से लोडिंग भी बहुत हो रहा है, 10-20-50 गाड़ी लोड होता है पर डे। लोडिंग कोल्ड स्टोरेज से हो रहा है, नहीं, मंडी से, मंडियों से? हाँ, खेतों से, अच्छा, खेतों से और मंडी, मतलब सब। वही जो लोड हो रहा है कुल हाँ, मिला के। तो सर, अभी मतलब क्या लगता है कि अभी हमें लगता है कि जो मंडी की, ये कोल्ड स्टोरेज की जो आमदनी थी, अभी आज से 4 दिन पहले कुछ इसकी रफ्तार कम थी, कम थी। अभी हाँ, एकदम 4 दिन पहले कुछ रेट डाउन हुए, रफ्तार एकदम अचानक से बढ़ी है, बहुत ज्यादा दूनी हो गई। दूनी हो गई। तो सर, क्या कारण क्या रहा इसमें ये कि? थोड़ा मार्केट डाउन हो गया, किसानों ने माल बेच के ना, मतलब रेट में कम भी नहीं बेचा, जी और उसको कोल्ड स्टोर तरफ मुड़ गए। बिल्कुल। अच्छा सर, एक दिन की अगर एवरेज अभी निकालेंगे तो अभी क्या लग रहा है कितनी आमद आ रही होगी अपने कोल्ड में? 7-8, 8,000, 9,000 रुपये। 7-8 हजार। तो इसके हिसाब से सर, 2 दिन में फुल अपना हाँ कोल्ड जी, हो स्टोर। जाए, तो इसीलिए तो अब कल से कम करना है जी, कल से? हाँ और आमदनी हमको कम करना है। जी। अच्छा, ये कह सकते हैं सर कि ये कोल्ड तो भरने के 200%, मतलब ये तय हो गया है कि ये कोल्ड फुल हो गया, मान जी लेते हैं। जी जी तो सर, क्या लग रहा है 2024 का वर्ष आलू किसानों के लिए किस तरीके से दिख रहा है? देखिए, किसान के लिए तो अच्छा साल तो है ही, क्योंकि जी इतना रेट जो आज फसल किसान के खेत पर जो बिका है वो कभी आज तक बिका नहीं। नहीं। अच्छा सर, 2020 जैसा माहौल कुछ मैच कर रहा है? मैच कर रहा है, लेकिन अब ये स्थिति 4-5 दिन के बाद क्लियर हो जाएगी।
चार पांच दिन के बाद, बिल्कुल। अच्छा सर, ये अपने यहाँ के जो रेट चल रहे हैं, क्या इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है वेस्ट बंगाल की खुदाई पूरी समाप्त होने के बाद में? हाँ, हो सकता है, क्योंकि अभी वहाँ का आलू अभी अभी बहुत सारा आलू है, अभी वहाँ पर तो हरी बेल खड़ा है, बिल्कुल खुदाई आलू लगा है उसका बेल खड़ी है जी। अच्छा, वो खुदाई जब वहाँ पूरी समाप्त हो जाएगी, हमें लगता है भविष्य उस पर काफी डिपेंड होता है पूरे यूपी का। तो कह सकते हैं सर कि 2024 का आलू का भविष्य उज्जवल किसानों के लिए दिख रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा जी। अच्छा सर, एक और लास्ट सवाल कि कोल्ड स्टोरेज से क्या उम्मीद लग रही है, कि किस रेट में आलू के रेट खुलने के चांसेस हैं? किसान या व्यापारी ने 800 रुपए आलू खरीदा जी और 200 रुपए का खर्चा आता है जी, तो 1000 रुपए से नीचे गेट नहीं खुलना चाहिए मेरा आंकड़ा। बिल्कुल, ये आंकड़े हैं बिल्कुल, 1000 रुपए तो लगभग जो भी एक लंबा अनुभव उनका है, तो अनुभवी लोगों का यही राय है 1000 रुपए। तो किसान भाइयों, अच्छा सर एक और सलाह है कि जो किसान के मन में एक बात बिठा के रखते हैं, किसान कई किसान ऐसे हैं जो अक्सर कभी कभी लाभ नहीं ले पाते हैं, उन्होंने आलू तो रखा लेकिन उनके मन में एक कीड़ा ये है कि भैया आज हमारा 1000 बिक रहा है, बेचेंगे हम 1500 में, हम 1500 से नीचे नहीं बेचेंगे, और उसके चक्कर में लास्ट में आलू का आज 1000 उसको मिल रहा है, वो नहीं बेचेगा, कल उसको 100 रुपए पैकेट मिलता है, तब वो उसको लंबी चपेट का सामना करना पड़ जाता है। तो सर उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, उनसे यही कहेंगे कि आप देखिए आपका पड़ता आ रहा है, उस हिसाब से आपको आलू को बेचना चाहिए, जो नहीं बेचते वही घाटा उठाते, उनको लागत मूल्य लगभग वसूल कर लेनी चाहिए, कर लेना चाहिए। भाई आपका 800 रुपए, 1000 रुपए, 1200 रुपए, तो आलू को निकालना चाहिए जी, बिल्कुल। तो किसान भाइयों, लगातार आपको इसी तरीके से हम जागरूक करते चले आए हैं, और आज इस समय हम सिरसागंज क्षेत्र में थे और यहाँ के जो कोल्ड ऑनर थे उन्होंने पूरी अच्छी सटीक जानकारी दी है, और इसी तरीके से लगातार हम आपको भी जानकारी देते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं कि आप लोग एक विचारधारा लेके कभी मत चलिए, उससे आप गड्ढे में गिर सकते हैं, ये संभव है। और अगर आपने मंडी का जो भी रेट है, आज का रेट है वो भी ठीक है, कोल्ड का रेट अगर सर बता रहे हैं 1000 रुपए खुलेगा वो भी ठीक है, आपको 2-3 रेट ले लेना चाहिए, अगर उस रेट में आपने बिक्रियां की तो उम्मीद है कि आपको आलू के भाव में कोई नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। आप जब भी किसानों के बीच जाएंगे तो सभी किसानों में आपके चेहरे पे खुशी देखने को मिलती रहेगी। ये आपकी क्या राय है, आप लोग भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी